श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। उसिरेकुता तलिया समस्थिति के तन गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। कुत्तिगेना तिरुगिसुव अभ्यास। श्वास लीजिए, उसिरन्न तेगेदुकोळ्ळि। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। उसिरन्न होरहाकुत्ता कुत्तिगेयन्न मुंदक्के बागिसि श्वास प्रश्वास के साथ सिर को घड़ी की सुई की दिशा में दो बार घुमाइए। उसिरन्न ओळगे तिकळ्ळुत्ता बलभागदिंद तलेयन्न प्रदक्षिणाकारवागि एरडु सारि तिरुगिसि। इस क्रिया को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी दो बार दोहराइए। उसिरन्न तेगेदुकोळ्ळुत्ता तलेयन्न प्रदक्षिणाकारवागि अप्रदक्षिणाकारवागि एरडु बारि तिरुगिसि। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। उसिरन्न तेगेदुकोंडु तलेयन्न समस्थितिगे तन्नि। हाथों को पुनः अपनी जगह लिया जाइए। कैगळन्न यथास्थितियल्लिडि। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। स्कंद चालन, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए। उसिरन्न तेगेदुकोळ्ळुत्ता कैगळन्न मेलक्केत्ति श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए। उसिरन्न बिडुत्ता कैगळन्न केळगिळिसि पुनः एक बार श्वास लीजिए। भुजाओं को ऊपर उठाइए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। उसिरन्न बिडुत्ता कैगळन्न केळगे तन्नि। ईग नावु स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। उसिरन्न ओळगे तेगेदुकोळ्ळुत्ता एरडु कैगळन्न भुजद वरेगे एत्ति श्वास छोड़ते हुए अपने उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। उसिर बिडुत्ता कई बेरळुगळन्न भुजद मेले इरिसि दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर दो बार घुमाइए। आगे से पीछे की ओर दो बार घुमाइए। एरडु मोणकैगळन्न प्रदक्षिणाकारवागि एरडु बारे तिरुगिसि अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास श्वास प्रश्वास के बाद दो बार कीजिए। विरुद्ध दिक्किनल्लि अभ्यासवन्न एरडु बारि माडबेकु। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। उसिरन्न होरहाकुत्ता कैगळन्न यथास्थितिगे तन्नि। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। पैरों के बीच थोड़ी दूर बनाइए, पादगळ मध्य अंतर विरलि। हाथों को कंधे की सीध मेले सामने की ओर उठाइए। अंगैगळु परस्परवा एदुरवागिरुवंते तोळुगळन्नु मेलेत्ति श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाए, दाई तरफ। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। उसिरन्न तेगेदुकोळ्ळुत्ता शरीर समस्थितिगे तन्नि। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। उसिरन्न श्वास इस क्रिया को दो बार और दोहराइए। और एक बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। पूरा ट्विस्ट करना है शरीर को। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी वापस ले आइए। उसिरन्न बिडुत्ता एरडु कैगळन्न केळगिळिसि विश्रांति माडि। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। मोळकालुगळ चलन क्रिया अभ्यास। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आइए। उसिरन्न तेगेदुकोळ्ळुत्ता मोळकालुगळन्न कुळितुकोळ्ळुव भंगिगे तन्नि। जी योग कर रहे हैं, सबसे पहले हम चालना क्रिया कर रहे हैं जो जॉइंट पेन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। योग की शुरुआत से पहले हमेशा चालना क्रिया करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपने योगासन के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो जाएं। विश्राम कीजिए, विश्राम। और इसको आप चेयर उत्कट आसन भी बोलते हैं, चेयर पोज आप बोल सकते हो। तो आपको बस ऐसा इमेजिन करना है जैसे आप चेयर पे बैठ गए हो, बट चेयर है नहीं,
तो जब चेयर है नहीं तो आप आराम नहीं कर सकते, तो आपके थाइस जो है इससे स्ट्रांग होती है और बैक आपको स्ट्रेट रखनी है। तो आप थाइस स्ट्रांग रहना, आप लेग्स में सर्कुलेशन रहना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहती है, बिकॉज आप अपने मसल्स पे पूरी तरह वर्क कर रहे हैं। और दिखने में ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना एक्चुअली है नहीं, क्योंकि लेग्स को थाइस को यूज करके कमर सीधी रखना, हाथ सीधी रखना, आजकल सीधा बैठना सीधा खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल है जी। और थाइस पे सबसे ज्यादा जी हम अगला आसन करेंगे। देखिए लगातार प्रधानमंत्री योगा करते हुए कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कौन कौन से आसन किए जा रहे हैं और ये आसन खूब जरूरी है। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एडियों को वापस ले आइए, हिम्मड़ी यथास्थिति तन्नी। जिसे अभी आपने देखा ये अभी ताड़ासन कर रहे थे, स्थिति ले आइए तो आपकी पूरी स्पाइन जो है वो खिंच जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, आपके वर्टिब्रल रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल, जिन लोगों को बैक पेन की समस्या रहती है उससे भी उनको निजात मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। अभी वृक्षासन कर रहे हैं। दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंगा पर रखने का प्रयास कीजिए। वृक्षासन भी बहुत अच्छा आसन रहता है बॉडी को माइंड को पूरी तरह बैलेंस करने के लिए। जैसे ही हम सबको पता है योगा परफेक्शन के लिए होता है, तो वृक्षासन करने से हमारी बॉडी माइंड पूरी तरह संतुलित रहता है जी। अब और मुझे लगता है कि वृक्षासन भी एक ऐसा आसन बन गया है कि मुझे लगता है सबको ही आता है और सबको पता है। तो और इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, मुझे लगता है इसमें बैलेंस जी। और बैलेंस जो है वो हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग इम्पोर्टेंस है। बच्चों के लिए जैसे उनको पढ़ाई में फोकस करना होता है तो उसके लिए है, फिर बुजुर्गों में भी बैलेंस स्ट्रेंथनिंग के लिए भी, जब आप एक पैर पे खड़े हैं तो आपके लेग की स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है, स्पाइन भी खिंच रहा है, ओवरऑल आपकी स्पाइन भी स्ट्रेट है, स्टमक भी पुल है, तो सब कुछ। नमस्कार मुद्रे नमाड़ी, तुम्बा सुंदरवादंत दृश्य, चामुंडिगे नम नमन, माँ चामुंडिगे नम नमन। अब श्वास छोटे हुए, हाथों और पैरों को नीचे ले आइए, उसरन बिड़ता कई कालगलन केळगे तन्नी, स्वल्प विश्रांति पड़ेरी। यह आसन हमारे कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इनहांस करता है, बॉडी तो बैलेंस होती है साथ में ध्यान के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। कालगल मध्य 4 इंचगला अंतर विरली, श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाए, उसरन तेगेदुकोळ्ळता। और अब अगला आसन लगातार शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, हस्त पदासन, जब आप हाथों को पैर के पास लाते हैं यथा प्रकार आगे झुकिए, आपके लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे कोशिश करनी है। अपने माथे को घुटने के पास लाने की कोशिश करनी है, पेट को अंदर खींच के, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है, सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेग्स हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है आपकी और सर की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है जो कि बहुत जरूरी है आपके आईज के लिए, आपके स्किन के लिए। अब श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाए और शरीर को सीधा कीजिए, उसरन तेगेदुकोळ्ळता निधानवागी यथास्थिति के बन्नी, उसरन बिड़ता एरडू कैगळन्नु केळगिळिसि विश्वास कीजिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अब हम बताते हैं, देखिए बहुत प्रेशर है अपने लेकिन आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। निम्म कैगळन्नु सोंटद मेले इट्कोळ्ळि, बिल्कुल बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए, उसिरन्नु ओळगे तेगेदुकोळ्ळुत्ता तले मत्तु सोंटवन्नु हिंदक्के तेगेदुकोंडु होगि, श्वास छोड़िए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। अब जैसे आप देख रहे हैं अभी उन्होंने बैक बेंड करके दिखाया, तो ये जो है बहुत सिंपल है, जिसको योगा नहीं भी आता है अगर आप थक जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपको ये करने का दिल करता है कि आप थोड़ा यूं करें। और ये ऐसी चीज है, आपने कुछ भी आउटफिट पहना हो, आप खड़े हो, आप बैठे हो, बैक बेंड बहुत जरूरी है अपने हाथों को मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, बोन्स को और अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगला आसन, और जैसे कि आप देख रहे हैं इस पोजीशन में आपके लंग्स खुले हुए हैं, आपकी नेक स्ट्रेच्ड है, आप अपने अपर बैक पे वर्क कर रहे हो, आप अपने लोअर बैक पे वर्क कर रहे हो। श्वास लेते हुए
दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आई उसरन तेजकता एरू कई भुजद वे मेलती दाय पैर के पंजे को दाई तरफ। देखिए अगला आसन लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कर्नाटक में इस वक्त प्रधानमंत्री और हम ये आसन करेंगे। अब अगला त्रिकोण आसन प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर डाउनलोड इट नाउ।